दोस्तों वेलकम हो गया पॉजिटिव टीवी इन्फो में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पाक साथ से हम यमल 49 डिग्री पर कैसे अपनी छतरी को ले जाएं। तो ये जो हमारी छतरी अभी है पाक साथ पर खड़ी है, और पाक साथ पर जो हमारी छतरी खड़ी है तो हमने यमल पे ये जो है एलिवेशन डिप्रेशन ये जो ऊपर नीचे वाला है ये हमने यमल पे पक्का किया हुआ है। और नीचे ये जो दो फटियाँ हमने लगाई हैं एक दो फटियाँ हमने लगाई हैं, ये दोबारा से मैं निकाल के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक फटी है, दूसरी ये फटी है, इतना ऊपर होगा तो हमारा पाक साथ चल जाएगा। और इधर से पाक साथ की मैं आपको क्वालिटी भी चेक कराता हूँ। आप ये केटीएन की क्वालिटी चेक कर लें, केटीएन लगा हुआ है तो केटीएन ही मुश्किल होता है सिंध में चलना, तो ये केटीएन चल रहा है। तो अभी हम यमल सेटेलाइट को ले जाएंगे 49 डिग्री, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरा प्यारा दोस्त भी है और वो खान है, उसको उसने मुझे बोला था कि मुझे 85 डिग्री के चैनल चाहिए जो रशियन सैटेलाइट को ऐसी है जो सी बैंड पे 4 फीट छतरी पे रिसीव हो जाए। तो ये जो अभी सैटेलाइट है 49 डिग्री, ये 4 फीट की सैटेलाइट नहीं है, ये पतरी लगेगी तो चैनल चलेंगे वरना चैनल नहीं चलेंगे। ये शीशा है मैंने काट के बनाया है, ये शीशा है, टिफलून पट्टी लगती है यमल सेटेलाइट पे, तो इसको मैंने प्लास से काट काट के इसको मैंने सेट किया है। तो अभी हम ये दोनों पत्रियां निकालेंगे, सबसे पहले यमल सेटेलाइट की फ्रिक्वेंसी चैनल लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे ये पत्रियां भी ये दोनों फटियां भी निकालेंगे। सबसे पहले हम इधर से सेटेलाइट करते हैं चेंज, तो सेटेलाइट हम करेंगे यमल यमल 49 डिग्री। अभी यमल सेटेलाइट हमने ले ली है यमल 49 डिग्री, तो हम फिर क्या करेंगे ये जो दो पत्रियां लगी हुई हैं ये आप चेक कर सकते हैं, इनको हम निकालेंगे। ये एक ये वाली फटी थी ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाली दूसरी इसी की मैंने तोड़ के बनाई थी तो इसको हमने कर दिया नीचे। अभी हम अपने खब्बी साइड छतरी के खब्बी साइड घुमाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन चैनल तो नहीं आएंगे क्योंकि पतरी मैंने नहीं लगाई है, पतरी सबसे पहले लगेगी। सबसे पहले हम इस पतरी को डालेंगे, ये पतरी लग गई और एलएमबी की पोजीशन भी थोड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि एलएमबी की पोजीशन जो होती है जब भी हम ले जाएंगे दूसरी वाली साइड तो एलएमबी की पोजीशन भी ये होगी, एलएमबी की पोजीशन भी लाजमी होती है। कोई भी सेटेलाइट आप ट्रैक कराएं तो एलएमबी की पोजीशन लाजमी चेक किया करें। तो पतरी भी मेरी लग गई है, एलएमबी की पोजीशन भी मैंने, फिर मैं आपको पतरी निकाल के भी चेक कराऊंगा कि आप वाकई यमल सेटेलाइट है या कोई और सेटेलाइट है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, सेटेलाइट हमें ट्रैक हो गई है, अभी चैनल में नहीं चला के आपको दिखा सकता। ये 70% है, 70% थी, अभी मैंने इसकी थोड़ी स्ट्रांग सेटिंग की है तो आप चेक कर सकते हैं कि अभी जो है ना ये 49 हो गई है। मैं आपको ये चैनल आप चेक कर सकते हैं, चैनल चला के हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि चैनल पे फिर कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये वाला एक चैनल है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा चैनल है, यानी कि चैनल बहुत इसमें 70% है, और वो जो दूसरा वाला था उसमें 49 थी। तो इस पर ये होता है कि तकरीबन जितने भी 85 तो बंद हो गई है, 80 डिग्री के जितने भी चैनल हैं आपको इस पे 4 फीट छतरी पे आप चलाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो सेटेलाइट यमल है ये 6 से 5 फीट छतरी की सेटेलाइट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हर एक इलाके में जिस तरह चैनल हर एक इलाके में अपने अपने हिसाब किताब से रशियन सेटेलाइट के सिग्नल जो चलते हैं ना इस तरह चलते हैं रशियन सेटेलाइट के, और जो दूसरे सिग्नल होते हैं वो इसकी तरह सीधे आते हैं, इसीलिए रशियन सेटेलाइट के सिग्नलों को सीधा करने के लिए ये टेफलून पट्टी लगती है शीशा।
इसीलिए अभी अभी मैं आपको चेक कराऊंगा। मैं इधर आप कैमरा मैन, आप थोड़ा टेलीविज़न की जानब अभी चेक करो, ये चल रहा है, ये आप 70% सिग्नल चेक कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैं इसका शीशा निकालूंगा तो ये बीप 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 जो चल रही है ख़त्म हो जाएगी और सिग्नल भी ख़त्म हो जाएंगे। ये आप देख ले, ये शीशा मेरे हाथ में, अभी मैं जैसे ही शीशा डालूंगा तो आप चेक करना, ये क्वालिटी भी शो हो जाएगी और बीप भी, क्योंकि ये जो छतरी है शीशा निकालने में 19-20 हो जाता है। अभी आप चेक कर लें, यहाँ फिर आपको इस तरह का एक शीशा होना चाहिए, यहाँ फिर टिफलून पट्टी होनी चाहिए। यमल सेटेलाइट अगर आपने ट्रैक करानी है तो इसके अंदर शीशा लाजमी डलेगा एलएमबी के अंदर, तभी ही जाके यमल सेटेलाइट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये सेटेलाइट हमने 4 फीट छतरी पे आपको ट्रैक करा के दिखा ली। आज के दिन के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।